नमस्कार, SSN सॉल्यूशन चैनल पर BSc फर्स्ट ईयर क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। कल तक हमने राबिज टेस्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया था। राबिज टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, कब फेल होता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गॉस टेस्ट। गॉस टेस्ट द्वारा हम सीरीज के डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंट सीरीज का टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट हम डी लैम्बर्ट टेस्ट, राबिज टेस्ट, इन दोनों को लगाने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या है गॉस टेस्ट, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे और पूरे लेक्चर में आज गॉस टेस्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और इस बात की गारंटी रहेगी कि इस लेक्चर के बाद में गॉस टेस्ट से रिलेटेड आपके कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। तो आज स्टार्ट करते हैं गॉस टेस्ट। गॉस परीक्षण। गॉस टेस्ट क्या है? गॉस टेस्ट UN अपॉन में UN प्लस वन का मान निकालेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ओनली UN अपॉन UN प्लस वन का मान निकालेंगे। उसका मान इस फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में एन प्लस गामा एन अपॉन में एन की पावर बी। अल्फा जिसमें एन नहीं आएगा, बीटा वो लेंगे जिसके अपॉन में एन हो, एन स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं लेंगे। एन स्क्वायर, एन क्यूब, एन की पावर फोर, जो भी है एन से ज्यादा वाली, जो एन नीचे आ रहा है उससे ज्यादा वाले सारे के सारे किस में लेंगे अपन, एक गामा एन फंक्शन में लेकर चलेंगे। और इस फॉर्मेट में लाने के बाद में सीरीज डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के लिए क्या करेंगे? यदि अल्फा का मान वन से बड़ा है तो सीरीज कैसी? कन्वर्जेंट। यदि अल्फा का मान लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट, और यदि अल्फा इक्वल्स टू वन है तब चलेंगे अपन कहां? बीटा पर। बीटा का मान यदि वन से ग्रेटर है तो सीरीज कन्वर्जेंट, और बीटा लेस एंड इक्वल वन है तो सीरीज डाइवर्जेंट। तो इस टेस्ट की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये टेस्ट फेल नहीं होता। यहाँ पे बीटा का मान वन आ रहा है तो भी वैल्यू देखकर जा रहा है, क्या वैल्यू? डाइवर्जेंट। तो ये टेस्ट यदि किसी सीरीज में अपन अप्लाई कर सकते हैं तो ये टेस्ट उस सीरीज का रिजल्ट निकल के आएगा। लोग वाली जो कंडीशन है उनमें अपन ये टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे। उनके अलावा यदि कोई सीरीज है तो उसमें अपन ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सीरीज से टेस्ट कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को स्टार्ट करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके अंदर जो un निकालेंगे वो un का मान क्या होगा? देखो सीरीज वन स्क्वायर वन थ्री वन थ्री फाइव रिपीट हो रही है तो आगे वाले टर्म्स में भी रिपीट होंगी, वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर एंड सो ऑन। वन थ्री फाइव की सीरीज क्या बनाई बताई थी? टू एन माइनस वन स्क्वायर अपॉन में, नीचे क्या आ रहा है? टू टू फोर टू फोर सिक्स, तो क्या बनेगा? टू स्क्वायर फोर स्क्वायर सिक्स स्क्वायर, और टू फोर सिक्स की क्या बताई थी? टू एन का होल स्क्वायर। क्या करेंगे? यू एन प्लस वन, एन की जगह एन प्लस वन पुट कर देंगे तो यहाँ तक तो रिपीट होगा, उसके बाद यहाँ पर एन प्लस वन रखेंगे या एन प्लस वन रखेंगे तो बनेगी वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर टू एन माइनस वन का स्क्वायर, 2n यहाँ पे n प्लस वन रखेंगे तो 2n प्लस वन का स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर फोर स्क्वायर सिक्स स्क्वायर 2n स्क्वायर 2n प्लस टू का होल स्क्वायर। ये आ गया किसका मान? un प्लस वन का मान। क्या करेंगे? un अपॉन un प्लस वन करेंगे तो un अपॉन में un प्लस वन इक्वल में, देखो यहां तक तो रिपीट है,
डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यू एन प्लस वन कहाँ है नीचे, तो ये तो जाएगा ऊपर और ये आएगा इसके नीचे, तो क्या वैल्यू आ गई 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में n को कहाँ लेते हैं नीचे, यहाँ भी 2n कॉमन 2n कॉमन दोनों पे स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर तो आएगा यहाँ पर अपॉन में यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बाई 2n का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मेट में कैसे लाएंगे ध्यान से समझना, इसके बाद में अपन क्या करेंगे इस वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे इक्वल में, इसको नीचे कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 2 बाई एन, इसको ऊपर लेके जाएंगे ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई 2n की पावर माइनस 2, 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 2 बाई एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से अप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सो, इस वाले फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 एन एक्स तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये माइनस है तो आएगा माइनस 1 बाई एन प्लस, आगे अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एन वाली जो वैल्यू है वो ही वैल्यू लेकर के आएगी, तो इसको आगे एन सॉल्व कर दिया अपन, आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1 बाई एन, इसको करेंगे मल्टीपल तो प्लस का 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन क्यूब, इसको करेंगे तो 2 बाई एन, इसको करेंगे तो माइनस का 2 बाई एन स्क्वायर, केवल एन तक लेना है आगे सभी वैल्यू को गामा एन बता देंगे इक्वल में ये बनेगा 1, अब 1 बाई एन की वैल्यू 2 बाई एन माइनस 1 बाई एन क्या बचेगा 1 बाई एन, बाकी सभी को क्या लिख देंगे गामा एन अपॉन में एन की पावर पी, आगे सॉल्व नहीं करना कहां तक करना है अपने को कॉन्स्टेंट वैल्यू और 1 बाई एन वाली वैल्यू तक। अब यहां पर अल्फा इक्वल्स टू 1 है देन कहां चलेंगे बीटा पर, तो बीटा का मान क्या है यहां पे बीटा क्या है 1 बाई एन का कोफिशियंट, 1 बाई एन का कोफिशियंट क्या है 1, तो बीटा का मान 1 है और बीटा के मान 1 पर सीरीज कैसी है डाइवर्जेंट, बीटा इक्वल्स टू 1 पर सीरीज डाइवर्जेंट, तो गॉस टेस्ट से दी गई सीरीज कैसी है एक अपसारी श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में un का मान दिया हुआ है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 2n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2n का स्क्वायर x की पावर n माइनस 1 और कंडीशन दे दी x ग्रेटर देन 0, तो ये लास्ट में दिख रही होता है ये un का मान दिया हुआ है इसका टेस्ट करना है, क्या निकालेंगे un प्लस 1 ये बनेगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2n माइनस 1 का स्क्वायर और 2n का स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2n का स्क्वायर 2n प्लस 2 का स्क्वायर इनटू में क्या बचेगा x की जगह क्या रखेंगे x की पावर में n की जगह n प्लस 1
वन से वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर एन। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो कैंसिल, बाकी वैल्यू वही ऊपर आ जाएगी। तो यू एन अपॉन में यू एन प्लस वन इक्वल में टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन में टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन। डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, वन बाई एक्स। अब क्या करेंगे, टू एन ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी वन प्लस वन बाई एन का होल स्क्वायर अपॉन में वन प्लस वन बाई टू एन का होल स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसका फॉर्मूले से अप्लाई कर देंगे, ये बनेगा वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर प्लस टू बाई एन। इसको ऊपर ले जाएंगे, अभी किया था क्या आई थी वैल्यू, वन माइनस वन बाई एन प्लस एन सोन इंटू वन बाई एक्स। मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा वन, फिर वन बाई एन की टर्म्स ले लो, तो माइनस का वन बाई एन प्लस का टू बाई एन, बाकी जो भी वैल्यू है स्क्वायर वाली उसको लिख दो आप सिंपली गामा एन अपॉन में एन की पावर थ्री इंटू में क्या चल रहा है वन बाई एक्स। अब इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या आ गई, वन बाई एक्स माइनस वन बाई एन एक्स। यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का वन बाई एन आएगा, तो ये बन जाएगा वन बाई एन एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू गामा एन अपॉन में एन की पावर थ्री। अब इसकी कंपेयर करें इस फॉर्मेट से, तो यहां पर अल्फा का मान तो क्या आ गया, वन बाई एक्स। कंडीशन लगा दो, एक्स क्या है कंफर्म नहीं कि क्या वैल्यू है, तो कंडीशन आएगी ग्रेटर देन वन, एक्स ही आ जाएगा, तो वन से छोटा है तब तो कन्वर्जेंट, और वन से बड़ा है तो डाइवर्जेंट। और यदि एक्स इक्वल्स टू वन है तब बीटा का मान क्या जाएगा, एक्स की जगह वन रख दो तो वन बाई एन, और वन बाई एन का कोफिशियंट बीटा होता है, तो बीटा का मान क्या है वन है, तो बीटा इक्वल्स टू वन, तब सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। तो ये मेथड रिजल्ट लेकर क्या आता है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। टेस्ट सीरीज में यदि लॉग के अलावा है या फिर सीरीज का सम कर पा रहे हैं या फिर यूएन का टेस्ट अप्लाई करने पर डायरेक्टली लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर नॉट इक्वल जीरो आ रहा है, और या फिर पूरे के ऊपर ही पावर एन आ रही है, पूरे के ऊपर ही पावर एन आ रही है, तब तो कोशी रूट टेस्ट बिल्कुल फिक्स कि पूरे के ऊपर यदि यूएन में पावर एन आ रही है तो कोशी रूट टेस्ट, जो अपन ने पहले लेक्चर में कर रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर मिल जाएगा आपको। बाकी सीरीज के अंदर अपन कौन सा पहले अप्लाई कर देंगे, गॉस टेस्ट अप्लाई करेंगे, गॉस टेस्ट अप्लाई कर देंगे। तो यदि एन आ रहा है कोसी रूट टेस्ट, लॉग की टर्म्स आ रही है, तो एक टेस्ट अपन कल देखेंगे, एक पहले राबी टेस्ट देख चुका, तो लॉग की आ रही तो राबी और कल वाला टेस्ट अप्लाई कर देंगे। पावर एन आ रहा है तो कोसी रूट टेस्ट, अदरवाइज अपन गॉस टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो लिख लेना इनको नोट डाल के, ताकि आप क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन को इस टेस्ट से सोल्व करो, क्वेश्चन में तो केवल ये पूछेगा कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट प्रूव करो, वो आपको अपने खुद के माइंड से लगाना है कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे कौन सा नहीं करेंगे। तो नोट डाल के लिख लेना इस बात को। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, सिंपल है लोग वाला क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, स्क्वायर सिक्स स्क्वायर एन सॉन टू एन माइनस टू का स्क्वायर अपॉन में थ्री फोर फाइव
3, 4, 5 एंड सो ऑन, 2n-1 2n x की पावर n, ये दिया हुआ है अपने को यू एन का मान। अब देखो इसके अंदर ये ऊपर तो फिक्स है 2, 4, 6 तो ये बन गया, तो ये यू एन प्लस वन में भी रिपीट होगा। नीचे मिक्सअप आ गया 3, 4, 5 2n-1 और 2n, तो ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कैसी है 3, 5, 7 2n-1 और फिर 4, 6 ये 2n, ये दो सीरीज को मिलाकर एक सीरीज बता दी। इसमें स्क्वायर n की जगह 1 रखेंगे तो 0 आ रहा है, नहीं है, n की जगह 2 रखो, 2 रखेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर आ गया, n की जगह 2 रखेंगे तो 3 और n की जगह 2 रखेंगे तो 4 ये आ गया, इन दोनों को मिला के रख दिया। फिर 3 रखेंगे तो 6 में से 2 गया तो 4, 4 का स्क्वायर आ गया, अब यहाँ पे 3 रखो तो 6 में से आ गया तो 5 आ गया और यहाँ पे रखेंगे तो 6 आ गया। मतलब ये जो एक सीरीज है ये इन दो मिक्स सीरीज को बना के यहाँ पे लिखा गया। अब यू एन प्लस वन बनाए, यू एन प्लस वन इसका मतलब ये भी रिपीट हो रही है और ये भी रिपीट हो रही है, तो यू एन प्लस वन में भी रिपीट होगी, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2n-2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, आगे की टर्म्स 2n 1 करेंगे तो ये 0 2n का स्क्वायर अपॉन में 3, 4, 5 2n-1 2n यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा 2n+1 यहाँ रखेंगे तो 2n+2 और ये x की पावर n+1। अब क्या करें इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा un अपॉन में un प्लस 1 इक्वल में यहाँ से यहाँ तक तो कैंसिल, बाकी वैल्यू को ऊपर नीचे लिख देंगे 2n+1 2n+2 अपॉन में 2n का होल स्क्वायर इनटू ये डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 1/x। क्या करेंगे n को नीचे लाएंगे, 2n कॉमन लेंगे 2n कॉमन लेंगे 2n का स्क्वायर कैंसिल कर देगा, क्या बनेगा 1+1/2n 1+1/n इनटू 1/x। इसको मल्टीपल कर लेंगे इक्वल में 1 1/2n+1/n प्लस गामा एन अपॉन में एन, या इसको तो लिख ही दो टर्म्स एक ही टर्म है 2n² 1/x। अब लिख देंगे अपन 1/x प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे 2n एलसीएम तो ये आएगा 2 और 1 3/2n इंटू 1/x प्लस गामा एन अपॉन में एन की पावर पी इंटू 1/x। इसकी इससे कंपेयर करेंगे तो अल्फा का मान 1/x, अभी जो कंडीशन लगाई थी वो ही लगाएंगे, इफ 1/x इज ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज करके 1 इज ग्रेटर देन x सीरीज कैसी होगी कन्वर्जेंट और 1 x से छोटा है तो डाइवर्जेंट और x इक्वल्स टू 1 है तब बीटा पर चलेंगे, बीटा का मान x की जगह 1 रख दिया तो 1/n का कोफिशिएंट, 1/n का कोफिशिएंट क्या है 3/2 क्या है 3/2 तो बीटा का मान 3/2 क्या है 1 से बड़ा है तो सीरीज कैसी आ जाएगी कन्वर्जेंट। तो गॉस टेस्ट से x का मान क्या लिख देंगे, गॉस टेस्ट से x किस किस पे कन्वर्जेंट इक्वल पे कन्वर्जेंट और 1 से लेस देन पे, समेशन यू एन कन्वर्जेंट है तथा x इस पे डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट ये अपन लास्ट में लिखते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब इसके बाद में अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो बिल्कुल सिंपल है, गॉस टेस्ट से लगाना। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर फोर है उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें सीरीज दी हुई है 1 1 2 4 1 3 2 4 6। देखो इसमें 1 1 3 1 3 5 है, तो इसमें यू एन बनेगा 1 3 5 की 2n-1 पहले कर चुके, अपॉन में यहाँ पे 2 है 3 है 4 है। ऐसा भी मैंने एक एग्जांपल करवाया था आपको लेक्चर फर्स्ट में, उसका यू एन निकाला था मैंने। उससे इसका यू एन क्या बनेगा, ये 2 फिर 2 4 2 4 6, ये एक रिपीट हो रही है सीरीज, बनेगा 2n। फिर क्या बच गया, 4 6 8, और 4 6 8 की क्या बन जाएगी, 2n+2। पूरे के ऊपर क्या है पावर p, un+1। पहले ही बता चुके un में कोई भी डाउट है लेक्चर फर्स्ट पूरा un पे है, वहां पर आप देख सकते हैं un+1। तो पावर तो पी सभी में आएगी, ये है 1 3 5 2n-1 2n+1 अपॉन में, ये भी रिपीट हो रही है 2 4 6 2n+2। इसमें केवल एक टर्म्स आ रहे, तो ऐसे नहीं कि 2n+2 फिर उसमें बन रखे, क्योंकि ये 4 यहाँ पे आया, फिर ये 4 इस 4 का नहीं है, किसका है, ये इस सीरीज का है 2 4 6 का। तो यहाँ पर केवल एक टर्म्स है, इसकी जगह n+1 रखे तो क्या बनेगा 2n+4 की पावर क्या करें, un अपॉन में un+1 1 3 5 2n-1 आ रहा है, और ये 2n और ये 2n+1 यहां तक तो कैंसिल, जो बच गया उसको ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर लिख देंगे, तो 2n+4 2n+1 की पावर p, सॉल्व करेंगे 2n को कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा 1+2n की पावर p, और ये जाएगा ऊपर, 2n कॉमन लेने पे कैंसिल हो जाएगा, 1+1/2n की पावर माइनस p, एक्सपेंशन कर देंगे तो ये बनेगा 1+2p/n+n, इसका बनेगा 1-1/2n+n। इनको मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 2p/n-p/2n+γn/n की पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2n एलसीएम आ जाएगा, और ये बनेगा 4p में से 1p गया तो 3p/2n। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n+γn/n की पावर p। कंपेयर करें तो α=1, बीटा का मान कितना है 3p/2। अब बीटा ग्रेटर देन 1 है, इम्प्लाइज करके पी का मान निकाल दो, ये 2 जाएगा यहाँ 3 आएगा नीचे, तो पी ग्रेटर देन है 2/3 से, तब तो सीरीज कन्वर्जेंट, और इसका उल्टा तब सीरीज डाइवर्जेंट, ये वाली कंडीशन क्लियर है। तो 3-4 लाइन में अपन गॉस टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने पास में वैल्यू आ रही है कि वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर फाइव है, वन ए बी वन सी ए ए प्लस बी, इसका भी यूएन उसमें निकाल रखा है अपन ने लेक्चर फर्स्ट में, और क्या निकाला था इसका यूएन, ए ए प्लस वन, तो ए ए प्लस वन एन सोन ए प्लस एन माइनस वन, बी बी प्लस वन एन सोन बी प्लस एन माइनस वन अपॉन में वन टू, इसका बनेगा वन टू एन सी, सी प्लस वन का बन जाएगा सी सी प्लस वन सी प्लस एन माइनस वन। ये अपन ने यूएन लेक्चर फर्स्ट में निकाल लिया था, इसका यहां से इसका मान लिया जाएगा एक्स की पावर वन टू, तो बनेगी एक्स की पावर एन। un प्लस वन ए रिपीट हो रहे हैं तो उसमें भी रिपीट होंगे, बनेगा a a प्लस वन ए प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे n की जगह n प्लस वन रखेंगे तो a प्लस एन। ऐसे b b प्लस वन b प्लस एन माइनस वन b प्लस एन अपॉन में वन टू n n प्लस वन c C प्लस वन C प्लस एन माइनस वन C प्लस एन X की पावर एन प्लस वन। यूएन अपॉन में यूएन प्लस वन करेंगे तो इसका मान क्या जाएगा, A यहां से ये कंडीशन कैंसिल होगी, ये बचेगा ये बचेगा, फिर ये C C प्लस वन कैंसिल होकर लास्ट वैल्यू क्या बचेगी, इसके तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, इसमें बचेगा अपने पास में एक तो ये n प्लस वन नीचे आ रहा है तो ऊपर जाएगा, एक ये c प्लस एन अपॉन में एक ही बचेगा a प्लस एन, एक बचेगा b प्लस एन इनटू में x, तो वन बाई कैंसिल किया, जितनी वैल्यू सेम थी वो कैंसिल हो गई, जो जो वैल्यू बची है नीचे वाली को ऊपर लिखा है और ऊपर वाली को नीचे लिखा है, क्या करते हैं ऊपर से n को मिलेंगे नीचे से n को मिलेंगे अपॉन में लेके आएंगे, तो ये बनेगा यहाँ से n को मिलेंगे एन स्क्वायर एन 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 स्क्वायर को कैंसिल करेगा, क्या बचेगा वन प्लस वन बाई एन एन टू, ये इस एन को पहले लिख दे तो वन प्लस सी बाई एन अपॉन में वन प्लस ए बाई एन वन प्लस बी बाई एन इंटू वन बाई एक्स, ये दोनों है इनको मल्टीपल कर देंगे, इनको पहले ऊपर ले जाएंगे और फिर इसको सॉल्व करके लिखेंगे, तो ये बनेगा इसको मल्टीपल करें तो वन प्लस वन बाई एन प्लस C by N प्लस बाकी अपने को लेना नहीं है एन सो क्योंकि वो गामा एन में चला जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा वन प्लस ए बाई एन की पावर माइनस वन और वन प्लस बी बाई एन की पावर माइनस वन वन बाई एक्स, ये जिट इज वन प्लस वन बाई एन प्लस सी बाई एन प्लस एन सो, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ए बाई एन प्लस एन सोन 1 माइनस बी बाई एन प्लस एन सोन इन टू वन बाई एक्स, वन प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इक्वल में 1 प्लस ये बनेगा 1 बाई एन, यहां से 1 कॉमन यहां से सी तो 1 सी प्लस 1 लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीपल कर लो तो 1 माइनस का बी बाई एन माइनस का ए बाई एन प्लस एन सो एन स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं लिखने अपने को वन बाई एक्स इक्वल में, अब इनको मल्टीपल करेंगे तो वन को मल्टीपल करेंगे पूरा मान आएगा तो वन माइनस बी बाई एन माइनस ए बाई एन, फिर इसको मल्टीपल कर दिया, अब इसको मल्टीपल करेंगे तो इसको केवल वन से कर दो, ये आएगा प्लस का वन बाई एन सी प्लस वन, बाकी जो भी वैल्यूज है वो वन बाई एन स्क्वायर में आएंगी
इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा अपने पास में, इसको वन से किया वो लिख दिया, अब जो भी वैल्यूज है इनको अपन इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या जाएगा 1/n² उसकी जगह शॉर्टली लिख देंगे गामा एन अपॉन में एन की पावर पी इंटू 1/x। अब इसके बाद में यहां से कंपेयर करें तो अल्फा का मान तो कितना आ गया, पहले इसको एन को कॉमन ले लो, ये बनेगा 1/n कॉमन ले रहे हैं पूरे में, यहां से तो बच गया c प्लस 1, यहां से बचा माइनस b माइनस a, तो माइनस का a माइनस का b प्लस गामा n अपॉन में n की पावर p और इस पूरे के बाहर क्या है 1/x। अल्फा का मान इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू 1/x। अब 1/x ग्रेटर देन पे कन्वर्जेंट और 1/x लेस देन पे डाइवर्जेंट और x इक्वल्स टू 1 पर या जाओ तब बीटा का मान क्या आ गया, ये पूरा आ गया तो c माइनस a माइनस b प्लस 1। अब इसमें ये फिक्स नहीं है c a b, तो कंडीशन लगा देंगे ग्रेटर देन 1 है ये 1 1 इधर जाएगा 0 बना देगा, माइनस को इधर कर दो तो इंप्लाइज करके c का मान a प्लस b से ग्रेटर है तब तो कन्वर्जेंट और c लेस एंड इक्वल है a प्लस b से तब सीरीज डाइवर्जेंट। तो ये लेक्चर आज थे गॉस टेस्ट के ऊपर, इनमें वो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा बार पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद में आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्वेश्चंस अपन ने सेलेक्ट किए हैं और उनको एक्सप्लेन किया है। कल सीरीज का लास्ट टॉपिक रहेगा फर्स्ट यूनिट का, उसके बाद में यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।